नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको लग रहा है कि देश में चुनाव हो रहा है, गोदी मीडिया के अगर चैनल ना देखो आप तो कहीं कोई उत्साह नज़र आ रहा है, कहीं जोश नज़र आ रहा है कि जो चुनाव में एक उन्माद होता था, जोश होता था, वो नज़र नहीं आ रहा ना। कारण क्या है? कारण यह है कि मतदाताओं में उत्साह नहीं है। जो मतदाता 2014 और 2019 में बढ़ चढ़कर वोट डाल रहा था, कस कस के नारे लगा रहा था, वो बिल्कुल शांत है। उसे समझ नहीं आ रहा उसके संग हो क्या गया। उसे विपक्ष के इन आरोपों में इसका जवाब क्या दे, उसमें दम कितना नजर आ रहा है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष बार बार पूछता है कि 15 लाख रुपए आ गए खाते में, 2 करोड़ नौकरी मिल गई सबको, सिर पर छत, की तरह तरह के सवाल। इस बीच में जो घटनाक्रम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नेता माने जाते हैं उनका इकट्ठा होना एक बड़ा संदेशा दे रहा है, चाहे वो गडकरी जी हो, योगी जी हो, शिवराज हो, वसुंधरा हो। योगी आदित्यनाथ जिस तरह नागपुर में गडकरी जी के घर पहुंचे और गडकरी की तारीफ में दिन रात एक कर दिया, उसके बड़े संकेत मिलते हैं कि आखिर गडकरी के स्वागत में अभी तक कोई गया नहीं, प्रचार में कोई गया नहीं। प्रधानमंत्री दाएं बाएं सब जनसभाएं कराए, गडकरी के नागपुर में प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं गए। और इस बीच में एक चर्चा और भी चली कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहां तक हितकारी साबित होगा। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश की एक घटना बताता हूं। एक मिनिस्टर है जितिन प्रसाद, दिल्ली से भेजे गए हैं लखनऊ, आप जानते ही हैं, सब दिल्ली दरबार के करीब ही है। PWD सबसे भारी भरकम विभाग है, उनका उनको मंत्री बनाया गया। जब पिछले साल तबादले हुए तो मुख्यमंत्री को पता चला कि इस विभाग में भ्रष्टाचार की गंगा गंगा परनाले और नाले सब बह गए। 400 करोड़ रुपए तक की घूस की खबरें सामने आने लगी कि इंजीनियर के तबादले 1-1 करोड़ रुपए तक में हुए और इतने बंपर तबादले हुए कि बिल्कुल त्राही त्राही कर गया विभाग। तो बात चली कि क्या इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि तबादलों में मंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया कमा लिए। तब पता चला कि मंत्री जी के एक OSD हैं, जितिन प्रसाद के एक OSD हैं। जब कांग्रेस में जितिन प्रसाद मंत्री थे तब भी वो OSD थे, और जब भाजपा में मंत्री बने तब भी वो OSD दिल्ली से लाए गए थे। तो जैसे ही खबरें पता चली योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ जी ने उन OSD को तुरंत रिलीव कर दिया कि जा भैया दिल्ली जा, इतना बेईमान आदमी में उत्तर प्रदेश में ना चाहिए, और मामले की विजिलेंस जाँच सेटअप कर दी। तब पूरे विपक्ष ने कहा कि इतना भ्रष्ट और इतना बेईमान मिनिस्टर कैसे बनाया गया उत्तर प्रदेश में, और अभी तक क्यों बर्खास्त नहीं हुआ। जितिन प्रसाद के भ्रष्टाचार के किस्से गली गली में गूंजने लगे, और अब उन जितिन प्रसाद को वरुण गांधी का टिकट काट के पीलीभीत चुनाव लड़ने को भेज दिया गया। यहां तक भी ठीक था। फिर प्रधानमंत्री ने उनके मंच से जाकर भ्रष्टाचार की बातें करी तो लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि योगी सरकार का सबसे भ्रष्ट मिनिस्टर जिसको कहा गया जितिन प्रसाद को, प्रधानमंत्री उसके मंच से जाके भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें उत्तर प्रदेश में पार्टी का माहौल खराब कर रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, बरेली मंडल के कुर्मी जिस तरह से विरोध को तराए, उसकी हवाइयां उड़ गई हैं बीजेपी की, होने क्या जा रहा है। ये सारी बातें मैंने करी जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी के साथ। ABP न्यूज चैनल पे आप उनको रोज देखते हैं, बहुत बढ़िया शो करते हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम किताबें लिखी हैं। मैंने सोचा कि आज सारे इन सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करूं, मैं ले चलता हूं उनको आपको उनके पास में। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है कि इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा, देश नई दिशा की ओर देख रहा है। आपको क्या लगता है कि के दावों में दम है या फिर सब दावे अभी भी हवा हवाई लग रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है और चुनाव बहुत लंबा है। 1 जून को आखिरी वोट पड़ेगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, तो अभी बहुत लंबा चुनाव है। इस चुनाव में मैं मानता हूं कि अभी पार्टियों की रणनीति बीच में बदलेगी। मुझे पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्रस्थ कर रही है, केंद्र में ला रही है। वो कह रही है कि विपक्ष पूरी तरह भ्रष्ट है और इस भ्रष्ट विपक्ष को हराना है। तो ये बात कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा आखिर तक इसी को अपना मुद्दा बनाए। मुझे तो ज्यादा संभावना ये लग रही है कि नरेंद्र मोदी थोड़े दिनों में अपना ट्रैक बदलेंगे
और वो बदलकर किसी और चीज को मुद्दा पकड़ेंगे, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि दुधारी तलवार है। और इसका फर्क जानते हो क्या पड़ रहा है? इसका फर्क ये पड़ रहा है कि दिल्ली में, पंजाब में, और मुझे जान के ताज्जुब हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी, जब मुझे खबर मिली ये कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष की तरफ जनता की हमदर्दी बड़ी निगाह बढ़ रही है, विपक्ष का वोट परसेंटेज की संभावनाएं विपक्ष की बढ़ रही हैं। भाजपा की अभी कम होती नहीं दिखाई दी है, लेकिन भाजपा की रुकी हुई है अपनी जगह पे और विपक्ष आगे बढ़ रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये कुछ जरूर भाजपा के खेमे में भी इसके संदेश जाएंगे, फिर वो लोग कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, वो लोग अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल सकते हैं, काफी कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन इस काफी कुछ हो सकता है के बीच में एक द्वंद ये है कि ये पहला चुनाव है जो बहुत अभी लय में नहीं आ पा रहा, जबकि जब राम मंदिर की शुरुआत हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये माना था कि हम एक जब शुरुआत करेंगे तो इतने बड़ी तेजी के साथ राम मंदिर की शुरुआत करेंगे कि पूरा वातावरण राम में हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि चुनाव की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ये मुद्दा गायब रहा और भ्रष्टाचार का मुद्दा आगे आता चला गया। लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खुद बैकफुट पर नजर आ रही है, राम मंदिर का मुद्दा उतनी जल्दी शुरुआत में उसने नहीं उठाया, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, लय में इसलिए नहीं आ पा रहा है कि 2014 का चुनाव तो कांग्रेस विरोधी चुनाव था, कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण बन गई थी। सही हो गलत हो, आज मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सी बातें गलत थी, एक भी बात साबित नहीं हुई। जो 2G3G घोटाला वगैरह, सही कोल घोटाले की बात थी, किसी में कोई सजा नहीं हुई, सब छूट गए। जज सवेरे शाम तक इंतजार करता था, जज बैठकर, कि कोई सबूत आएगा, सबूत नहीं आता था, तो कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का कांग्रेस सरकार के ऊपर जो इल्जाम था, वो इल्जाम आज तक तथ्यगत रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है। कपिल सिब्बल ने जब जीरो लॉस थ्योरी दी थी तो सब लोगों ने उस वक्त उसका मजाक उड़ाया था, मैं भी उसमें था उनका उपहास करने में, लेकिन वो दरअसल वो थ्योरी सही साबित हुई, मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं, वो दरअसल कोई लॉस था नहीं। देखिए, दो CGI ने, एक TN चतुर्वेदी ने बोफर्स के जमाने में जो किया, और उसके बाद में दूसरे CGI जो कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान CGI थे, उन्होंने जो किया उसकी वजह, और उसको सही माना गया, मीडिया भी उसको ले उड़ा, और दूसरी ऐसी ताकतें जो पर्दे के पीछे थी, दिखाई पड़ रही थी, उन्होंने इस तरीके से पूरे मसले को प्रबंधित किया बड़ी खूबसूरती के साथ में, और तत्कालीन सरकार इनका मुकाबला नहीं कर पाई, उससे सरकारों को नुकसान हुआ। मैं एक ये बात मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार, उस वक्त विपक्ष सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था। उन आरोपों से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। वही उसी तीर को जो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार पे चलाया था, उसी तीर को अब सत्ता में रहते हुए वो विपक्ष की तरफ चला रहे। आप ध्यान कीजिए कि 2014 में कांग्रेस विरोधी माहौल था, जिसकी वजह से इसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिला। 2019 में अगर चुनाव साधारण होता, मतलब असाधारण, उसके ऊपर पुलवामा के आतंकवादी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का साया न होता उस चुनाव के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता। हो सकता भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरती, लेकिन उसको एक गठजोड़ सरकार चलानी पड़ती, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर भी एक सवालिया निशान लग जाता। लेकिन ये जो घटना हुई पुलवामा की, उसके बाद से कुछ इस तरह का माहौल बना, इस तरह का प्रचार हुआ, घुसके मारा। मैं तो उन दिनों काफी दूर मैंने यात्रा की थी, कदम कदम पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, घर में घुसकर मारा, यही सब उस पर लिखा हुआ था, तो उसका बहुत असर हुआ। आज इस ये चुनाव जो है ना, ये एक साधारण चुनाव है। साधारण चुनाव का मतलब मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूं कि कमतर चुनाव है, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर किसी बड़ी घटना का साया नहीं है, ये उससे प्रभावित चुनाव नहीं है। इसके पीछे कोई आंदोलनकारी वेग, आंदोलन की वजह से जो जनता की राय बन जाती है, वो भी नहीं है। कोई ऐसी कोई घटना भी नहीं है, लोगों को लग रहा होगा हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, हमारी सीमाओं की रक्षा कर, ये ऐसी स्थिति भी नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई ऐसा आवेशपूर्ण मुद्दा बने, एक आवेगपूर्ण मुद्दा बने, इसलिए वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा में उछालकर लिटमस टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसी उन्हें पता चला कि लिटमस टेस्ट कामयाब नहीं हो रहा है, वो इस मुद्दे को बदल लेंगे,
फिर वो को नया अंदाज लगाएंगे। अभी देखिए उन्होंने एक और नया लिटमस टेस्ट करना शुरू किया है, साथ में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग से प्रभावित घोषणा पत्र करार दिया है और उसके बाद सारे बीजेपी के लोग मुस्लिम लीग कहना शुरू कर दिया है, वो भी एक तरह का लिटमस टेस्ट है। मतलब वो ये सब बात अभी भाजपा के मन में भी स्पष्ट बिल्कुल अंतिम रूप नहीं है कि भ्रष्टाचार का ही मुद्दा बना रहेगा। हो सकता है वो ये मुद्दा ले आए कि साहब आपने मुसलमानों को इतनी रियायतें दी है, उसमें पूरी तरह चुनाव को सांप्रदायिक कर दें। आखिर जब उन्हें लगेगा लोगों को कि नहीं किसी भी तरीके से हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, हमारे वोट नहीं बढ़ रहे हैं, विपक्ष के वोटों का बढ़ना नहीं रुक रहा है, तो चुनाव को एक बार पूरी तरह सांप्रदायिक भी करेंगे, उसके लिए भी हम लोगों को दिमागी रूप से तैयार रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये कोशिशें जो सांप्रदायिक उन्माद की कोशिशें हैं, क्या ये चुनाव के समय तक कामयाब हो पाएंगी? क्या एक स्टेज पे ये मतदाता ये मान नहीं लेगा कि जब जब चुनाव आता है उससे पहले ये कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश की जाती है, उन्माद बढ़ाने की कोशिश की जाती है? क्या देश के नागरिक को ये नहीं पता? बल्कि मैं एक वो मुझे शेर याद आ रहा है, सीमाओं पर भी तनाव बढ़ जाता था, तो वो शेर था ना कि सीमाओं पर तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। तो पता है देश के नागरिकों की क्या खेल। सही है संजय जी, आपकी बात सही है। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो जब जब चुनाव के दौरान में सांप्रदायिक लाइन ली गई है वो कामयाब नहीं हुई। बिहार 2015 के बिहार चुनाव में सांप्रदायिक लाइन ली गई थी, भाजपा चुनाव हार गई। उसके बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सांप्रदायिक लाइन ली गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। पिछले कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली जय के नारे प्रधानमंत्री ने मंच से लगाए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। दरअसल मैं कहना ये चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक लाइन खुल के लेती ही तब है। देखिए दबी सांप्रदायिकता तो हमेशा रहती, वो तो उनके डीएनए में है। वो तो कुछ मुसलमान विरोधी बात करते रहेंगे, हिंदुओं को भड़काने और एक एक प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी करने का तरीका उनका चलता ही रहता है, वो तो हथकंडा हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन खुली और नंगी सांप्रदायिक लाइन वो उस वक्त लेते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब वो चुनाव हारने वाले। अगर भाजपा सांप्रदायिक लाइन लेती है तो आप मान लीजिए अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो आखिरी दांव अपना आजमा रही है, और फिर तब हम और दोनों मिलके एक आवाज में कहेंगे कि अब भाजपा चुनाव हारने के लिए अभिशप्त है। अच्छा, ये आपने बिल्कुल नया एंगल बनाया। लोग मानते थे कि जब भाजपा हिंदू मुसलमान करेगी तो चुनाव में ज्यादा जीत जाएगी, लेकिन आपका मानना ये है कि नहीं है ही नहीं। हाँ, आप देखिए ना, आप बताइए कब भाजपा ने सांप्रदायिक मुद्दा उठाकर चुनाव जीता है? मैंने आपके सामने उदाहरण दिए ना, 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि अगर यहाँ पे होगा तो वहां पे पटाखे छूटेंगे, पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। क्या हाल हुआ भाजपा का? उसके बाद में दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग के मसले पर अनुराग ठाकुर वगैरह सब ने कहा ना कि मारो गोली सालों को वगैरह, पूरा चुनाव इसी तरह चला कि अगर वो भाजपा जीत गई, अगर ये आम आदमी पार्टी जीत गई तो हिंदुओं की बहू बेटियां खतरे पड़ जाएंगी, घर में घुस घुस के खींची आएंगी, ये सब इन लोगों ने कहा ना है। भाजपा यहाँ भी चुनाव हार गई, ज्यादा ज्यादा 3 से 7 सीटें बढ़ के उसकी 7 हो पाई, इससे आगे नहीं बढ़ी भाजपा। अभी कर्नाटक में बजरंगबली वाला मामला, खुद प्रधानमंत्री ने मंच से जय जयकार के नारे लगाए बजरंगबली के, लेकिन नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दौर में जम के ममता बनर्जी को खाला ममता कहा, बेगम ममता कहा। सब लोग ममता बनर्जी को खाला ममता बोलते थे, बेगम ममता बोलते थे, ये दिलीप घोष वगैरह। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी वहां भी बुरी तरह चुनाव हार गई। आप बताइए ना मुझे एक वो उदाहरण जब भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक मुद्दा उठाया हो और वो चुनाव जीत गई हो। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक मुद्दा उठाती ही तब है जब उसे लगता है कि अब उसके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए खुल के नंगा खेल खेलते हैं, चलो जो होगा सो देखा जाएगा। तब वो अपने नंगी जो उसकी विचारधारा है उसमें उसकी ऊपर आ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जब वो ऐसी विचारधारा है उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन जब आपने अभी एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित रूप से विपक्ष का वोट बढ़ता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में एक और समीकरण तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, वो है क्षत्रियों का विरोध प्रदर्शन या जातियों का विरोध प्रदर्शन। सहारनपुर में क्षत्रियों की एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें कहा गया, नारे लगाए गए और कहा गया व्हाट्सएप ग्रुप पे चला कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। अब यह मामला खत्म नहीं हुआ था कि बरेली में 5-6 बार के लगातार सांसद संतोष गंगवार, बड़ी रेपुटेशन है कुर्मियों के, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, बरेली बदायूं शाहजहांपुर पीलीभीत 3-4 जिले ऐसे हैं जो कुर्मी बाहुल हैं, अचानक संतोष गंगवार का टिकट काट दिया गया। उनसे 2-3 महीने पहले तैयार करने को कहा, तैयारी करने को कहा,
अचानक टिकट काट के छत्रपाल गंगवार को दे दिया, जो बरेली के हैं भी नहीं। और बरेली के मेयर जो है उमेश गौतम, उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन में संतोष गंगवार के लिए अपशब्द कह दिया, वायरल हो गया। इतना हंगामा बचा कि प्रदेश अध्यक्ष तक के लोगों ने घेराव कर लिया। उधर ठाकुर नाराज, इधर कुर्मी नाराज, और फिर धनंजय से लेकर ब्रजभूषण संत की बातें चर्चा में रहने लगी कि भाई क्षत्रियों को इसलिए निपटाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी दावेदारी ना कर दें। तो क्या लगता है आपको, अभी जो दिल्ली और यूपी की जो लड़ाइयां हैं, जो कोल्ड वार हैं, जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में है, क्या ये लड़ाई भी कुछ गुल खिला सकती है? उससे सहमत होते हुए मैं कह रहा हूं, एक और बात है, वो बात ये है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार, पार्टी और पूरी चुनाव नीति उसके ऊपर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो नियंत्रण है, जो कठोर केंद्रीकृत नियंत्रण है, मतलब जो है, उसके प्रति भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। कार्यकर्ताओं में एक तरह का गुस्सा है और हतोत्साहित है। वो इस बार हमेशा की तरह इतने उत्साह के साथ वो जो मतदाताओं को निकालते थे और वो पोलिंग बूथ तक ले जाते थे, मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में उतने उत्साह के साथ नहीं होगा काम, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई किसी के हाथ में कुछ नहीं है, किसी से कुछ भी पूछा नहीं जाता, कोई तर्क नहीं है, कोई क्राइटेरिया, कोई आधार नहीं बनाया गया ऐसा कि किसके किस आधार पर हम किसी का टिकट काट रहे हैं, किसको दे रहे हैं टिकट, आखिरकार है क्या मामला, ये कौन है जो सब कुछ तय कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाजपा एक कारपोरेट मॉडल पे चलती है, ऊपर से आदेश, ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, दो तीन लोग ऊपर, दो लोग बैठे हैं, ऊपर से आदेश प्रवाहित होते हैं और उम्मीद की जाती है कि नीचे तक उन आदेशों को माना जाएगा। लेकिन कारपोरेट मॉडल की एक खास बात होती है कि ऊपर के लोगों की जो तर्क बुद्धि है, ऊपर के लोगों का ये जो एक जैसे कहते हैं रैशनल माइंड है, मतलब जो है विवेक है ऊपर के लोगों का, उस पर लोगों का बड़ा भरोसा होता है कि बोर्ड जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वो कंपनी के हित में कह रहा है, इसलिए सब लोग उस बात को मानते हैं और वो दिखाई पड़ता है फायदे में, मुनाफे के प्रतिशत में दिखाई पड़ता है। जब मुनाफे का प्रतिशत नहीं दिखता है तो फिर बोर्ड की अकल पर भी शक होने लगता है। यहां पर क्या है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, खासतौर से नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को ईश्वर का अवतार बनाया जाना, विश्व भगवान का अवतार बताया जाना, और ये कहना कि उनके अलावा कोई किसी भी जनता विश्वास ही नहीं करती है, घुमा फिरा के वो भी उनको अवतारी पुरुष बताने की कवायद है, ये सब जो हो रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बेचैनियां हैं। कोई खुल के इस बात को इसलिए नहीं कहता कि भाई सत्ता वहीं से निकल रही है, सब लोग जानते हैं अगर इनको गिरा दिया तो किसी के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, सबको नुकसान होगा, तो सब लोग सत्ता भोगना चाहते हैं, तो अभी जब तक वो खुद लड़खड़ाएंगे नहीं और वोट कम नहीं होंगे तब तक उनके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये क्षत्रियों वाला मसला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए गुजरात में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पुरुषोत्तम रूपारेल ने जो कहा उसके बाद गुजरात के क्षत्रिय हैं जो पहले से ही वहां पर पटेलों का जो दबदबा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उससे दुखी हैं और हमेशा लगता है उन्हें हाशिए में फेंक दिया गया, फिर क्षत्रियों के बारे में इस तरह की बात कह दी गई है। अब इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक नाराजगी पैदा हो रही है, लेकिन उसका टिकट नहीं कट रहा है, वो अपने मोटरसाइकिल पे घूमते हुए वो सब जगह प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए समस्याएं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत हैं, लेकिन मोदी को जिस तरीके से एक अवतारी पुरुष के रूप में पेश कर दिया गया है और भाजपा वालों से भी उम्मीद की जाती है कि वो भी इस बात को माने, खंडन करने का तो किसी की हिम्मत है नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। जब चंपत राय ने कहा था तब किसी ने नहीं उसका खंडन किया, नरेंद्र मोदी तो खुद कभी कहेंगे नहीं इस तरह की बात। तो ये सब जो हो रहा है उससे भाजपा के अंदर भी बेचैनियां हैं। इस बीच में नागपुर में नितिन गडकरी का चुनाव प्रचार करने कोई बड़ा नेता गया नहीं था, मोदी जी नागपुर के इधर वाले किनारे उधर वाले किनारे पर सभा कराए लेकिन नागपुर नहीं गए। ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी में जो गडकरी और जो मोदी के बीच कोल्ड वार चल रही है, दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है, उसके चक्कर में बीजेपी के बड़े नेता मतलब मोदी और शाह साहब चाहते हैं कि गडकरी नागपुर में ही निबट जाए। उधर कांग्रेस चाहती है कि हर हालत में गडकरी जीत जाए, क्योंकि गडकरी जीतेंगे तो वो मुकाबला करेंगे। इन सब कशमकश की और चर्चाओं के बीच में योगी आदित्यनाथ का गडकरी के घर पहुंचना,
बच्चों के संग फोटो खिंचाना, टेरिस पे खड़े होना, ये कहना कि गडकरी हमारे नेता है, गडकरी जैसा नेता नहीं हो सकता, गडकरी के मुंह में ना ही नहीं निकलता, गडकरी से कितनी हजारों करोड़ मांगो। गडकरी जी की तारीफ में जितना योगी आदित्यनाथ ने कहा वो हैरान कर देने वाला था। मतलब एक लिमिट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो योगी आदित्यनाथ क्या माना जाए कि गडकरी के घर जाकर नागपुर में जाकर ये संदेशा दिया है दिल्ली को कि वो भी अपना तेवर अब कड़ा कर सकते हैं? नहीं, आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटी मोदी लॉबी बन रही है। आपकी बातचीत ये बता रही है, देखिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो मोदी मंत्रिमंडल के सबसे ज्यादा सक्रिय और सफल मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के नेता भी हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। ये आपके जो फडणवीस साहब है, एक जमाने में गडकरी के ही चेले होते थे नागपुर की राजनीति में, गडकरी ने ही उनको आगे बढ़ाया था। अब वो आलाकमान का सहारा लेकर ऊपर चले गए हैं और गडकरी की बात नहीं बोलते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो गडकरी के ही शिष्य थे, गडकरी द्वारा ही बढ़ाए गए थे। तो इससे आपकी बात से ये लगता है कि एक मोदी विरोधी लॉबी शुरुआती रूप धारण कर रही है उसमें, और उसके पास उनके दो बड़ी हस्तियों का आपने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी, इन दो बड़ी हस्तियों का आपने जिक्र किया। इसमें और कौन कौन सी हस्तियां खुले रूप में और गुप्त रूप से इस लॉबी के साथ हैं, इसके ऊपर निगाह रखनी होगी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, बहुमत से कम सीटें रह जाती हैं, तब सबसे ज्यादा यही लॉबी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हस्तक्षेप करेगी। तो आपका इशारा है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 100 और भी लोगों के नाम, मैं किसी के अभी नाम नहीं लूंगा, आप जिनके चाहे नाम लें, मैं रणनीतिक रूप से नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन आपने जिन दोनों के नाम लिए वो भी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं और होंगे ही शामिल वो सब लोग। देखिए इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है उसको बड़ी नजदीकी निगाह रखते हैं पार्टी के अंदर, जिन लोगों को मंत्री पद से हटा दिया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को हटा दिया मंत्री पद से, जो बिहार के नेता हैं या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं रविशंकर प्रसाद, उनको हटा दिया मंत्री पद से। तो ये सब लोग जब इनको मौका मिलेगा तो लोग चुप थोड़ा बैठे रहेंगे। कोई सोच सकता था कि रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर ऐसे बिल्कुल कहते हैं बर्फ में लगा देना, ऐसे बर्फ में लगा देंगे और मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी? वो कहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रीजर है, एक फ्रीजर में भाजपा के लोगों को बंद किया जाता है और उसके दूसरे हिस्से में जो बाहर से लोग आते हैं उनको बंद किया जाता है, जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है, बर्फ बर्फ झाड़ के इस्तेमाल करते हैं फिर उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन ये स्थिति कब तक, अभय जी कब तक रह सकती है पार्टी के अंदर? कभी बगावत नहीं होगी पार्टी के ऊपर? जो कंट्रोल, जो कैप्चर और कंट्रोल है वो अभूतपूर्व है, ऐसा किसी पार्टी के ऊपर किसी ने कंट्रोल नहीं किया। सीधे सीधे दो लोगों के हाथ में पूरी पार्टी की कमान है, कोई कुछ भी ना बोल सकता है, ना कह सकता है, ना सुझाव दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और अमित शाह साफ तौर पर पार्टी की मीटिंगों में कह चुके हैं कि जब तक हम लोग हैं हम इसी तरह चलाएंगे, जब हम नहीं रहेंगे तब देखा जाएगा। जब लोगों ने कहा ये वो, लोगों ने कहा देखिए आप कुछ भी कहते रहिए, जब तक हम लोग हैं हम इसी तरह चलाएंगे, आपका मन हो रहिए ना मन हो मत रहिए। तो जब तक वो लोग चला रहे हैं और जब तक उनको सत्ता प्राप्त हो रही है, उनको विपक्ष बिखरा रहेगा, उनको सत्ता प्राप्त होती रहेगी, यही उम्मीद इन्हें इस बार फिर है कि विपक्ष की एकता उनको सत्ता से हटाने में या उनकी सीटें कम करने में कामयाब नहीं होगी। ये इसमें सबसे बड़ा नाम, प्रमुख नाम को लगता है आपको, गडकरी या योगी आदित्यनाथ या वसुंधरा या शिवराज, तो मुखर होके लड़ सकते हैं? देखिए मुखर होके अगर इसमें लड़ने की किसी में क्षमता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया में है, मुखर होके लड़ने की क्षमता है तो नितिन गडकरी में है और योगी आदित्यनाथ में है। शिवराज सिंह चौहान जब परिस्थिति अनुकूल देखेंगे तब इसके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन शुरू में वो नहीं खड़े होंगे। इसी तरह रविशंकर प्रसाद या प्रकाश जावड़ेकर, ये लोग तब जाएंगे इनके साथ खड़े होने के लिए जब उन्हें लगेगा कि बिल्कुल वो सेफ प्ले कर रहे हैं, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि अपने नुकसान की कीमत पर भी लड़ सकते हैं। अबे जी, इसमें सबसे बड़ी निगाह जो है वो लगी हुई है वो योगी आदित्यनाथ पर लगी हुई है, क्योंकि पूरे देश में जो माहौल है, पूरे देश में जो तस्वीर है, उसमें ये बात साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में
बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो घटती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि उसकी कमी हम उत्तर प्रदेश से पूरी कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में हम 65 सीटों की जगह 70 ले आएंगे, 75 ले आएंगे। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो जनाधार है और जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, दो विधानसभा चुनावों का, दो लोकसभा चुनावों का, तो उससे ये बात सही लगती है। लेकिन जो नई खबरें वहां से आ रही हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को केंद्र में करने से पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उत्तर प्रदेश देश से बाहर तो है नहीं, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। तो वो विपक्ष अपनी पत्ते कैसे चलता है, अपने अपने टिकट किस तरह बढ़िया तरीके से बांटता है और किस तरह चुनाव लड़ता है पराक्रम और योजना के साथ में, काफी कुछ इस पर भी निर्भर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आशा का भाव है कि निराशा का भाव है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। अभय जी, मैं आपको एक बड़ी बढ़िया घटना बताता हूँ जी। अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी पीलीभीत गए, पीलीभीत में उन्होंने जितेंद्र प्रसाद का मंच साझा किया, वहां भी भ्रष्टाचार की बात बोली। जितेंद्र प्रसाद दिल्ली खेमे के मंत्री माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पीडब्ल्यूडी विभाग मिला हुआ है उनको, उसके मिनिस्टर हैं वो। एक दिन खबर आती है कि पीडब्ल्यूडी में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तबादले एक एक दो दो करोड़ रुपए लेके किए गए हैं, जूनियर इंजीनियर के, एक्सीएन के तमाम, और पता चला कि ये तबादले में 400 करोड़ रुपए तक का खेल हो गया है। जैसी खबर योगी आदित्यनाथ को खबर मिली, तो जो जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी थे, जब कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर थे जितेंद्र प्रसाद, तो वो ओएसडी तब भी जितेंद्र प्रसाद के साथ थे। अब जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में आ गए, तब भी वो बीजेपी में वापस, मतलब जितेंद्र प्रसाद के साथ आ गए, दिल्ली से डेपुटेशन में वापस बुलाए गए और जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी बना दिए गए। जब योगी आदित्यनाथ को पता चला, तो जितेंद्र तुरंत योगी आदित्यनाथ ने उनको रिलीव कर दिया कि जाओ ये भ्रष्टाचार का नाटक दिल्ली में फैलाओ, और जितनी ये भ्रष्टाचार के तबादलों की शिकायत हुई थी उसकी विजिलेंस जांच सेटअप कर दी। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया कि भाई बिना मंत्री के ये भ्रष्टाचार तो हो नहीं सकता, और पहली बार ये बात सामने आई कि पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में 400 करोड़ का खेल केवल चुनाव में तबादले में हो गया। तो जितेंद्र प्रसाद की छवि एक भ्रष्टाचारी मंत्री की बनी। अब उस जितेंद्र प्रसाद को वरुण गांधी का टिकट काट के पीलीभीत भेज दिया गया। अब उस जितेंद्र प्रसाद के मंच से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यानी जो जितेंद्र प्रसाद ब्रांड है कि भ्रष्टाचार में, और योगी ने उनके ओएसडी को वापस भेजा के मंच से प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार की बात करना, क्या संकेत होंगे इसके? नहीं, अब ये जो आप प्रकरण पूरा बता रहे हैं और इतना विस्तार से बता रहे हैं, बारीकियों में जाके बता रहे हैं, ये प्रकरण इसी तरह इशारा करता है कि विपक्ष के वोटों का प्रतिशत की संभावना उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रही है। भाजपा जो उत्तर प्रदेश की एक सर्वशक्तिमान पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा के और दो विधानसभा के चुनाव धड़ाके के साथ जीत चुकी है, जब उसका वोटिंग प्रतिशत जो है, उसका मतदान प्रतिशत जड़ता का शिकार है और विपक्ष का मतदान प्रतिशत का ग्राफ, मतलब उसका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके पीछे यही सब प्रकरण होते हैं ना, लोग देखते हैं इनको कि भाई मोदी जी क्या दावा कर रहे हैं और क्या असलियत है, ये सब चीजों को देखते हैं तो लोगों का मन बदलता है, लोग अपनी जो वोट जो मतदान प्राथमिकताएं हैं उस पर पुनर्विचार करना शुरू करते हैं। और अभी ये चुनाव की बिल्कुल शुरुआत है, देखिए धीरे धीरे करके चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें बहुत सारा मतदाताओं को नए नए निर्णय लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और पता नहीं तस्वीर किधर किस रूप में बैठेगी, बहुत कठिन है डगर पनकट की। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आज आपने राजनीति की इतनी विस्तार, जितनी आसानी से पहले माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव केक वॉक है, उतना है नहीं, मतलब उतना है नहीं, और उत्तर प्रदेश में और फंस गया मामला आके तो और ज्यादा मजेदार सीन हो गया। शुक्रिया, थैंक यू अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अभय दुबे जी, और आपने सुना विस्तार से कि क्या क्या बता रहे थे। जाहिर है कि इस तरह की बातें बीजेपी का माहौल खराब कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कितना दम है, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, अपने सुझाव जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।